प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की चर्चित ज्योति मौर्य जैसा मामला अब बिहार से सटे झारखंड के गोड्डा में भी सामने आया है। नगर थाना इलाके के कठोना गांव के पिज्जा डिलीवरी बॉय टिंकू यादव ने कर्ज लेकर पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराया, लेकिन पत्नी बेवफा निकली और नौकरी लगते ही बॉयफ्रेंड के साथ फुर हो गई। अब इस मामले में पति टिंकू यादव ने थाने में मामला दर्ज कराया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित टिंकू यादव ने बताया कि उसकी शादी गोड्डा शहर के बढ़ोना मोहल्ले की रहने वाली प्रिया कुमारी से हुई थी। शादी के बाद पत्नी आगे पढ़ाई करना चाहती थी, वह पढ़ने में तेज थी, इस वजह से मैंने उसे आगे पढ़ाने का फैसला लिया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद यह सोचकर उसे पढ़ाया कि आगे भविष्य सुधर जाएगा। उसने बताया कि नर्सिंग कोर्स के लिए पत्नी का दाखिला शकुंतला नर्सिंग स्कूल में कराया, करीब 2.5 लाख रुपए कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। शादी के 1.5 साल बाद पढ़ाई के दौरान ही टिंकू की पत्नी अपने पड़ोसी दिलखुश राउत के प्रेम के जाल में फंस गई। प्रेम परवान चढ़ा और कोर्स पूरा होते ही टिंकू की पत्नी उसे छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। टिंकू को जब इसकी जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिंकू कुमार ने बताया कि उसने कर्ज लेकर पत्नी को A&M की डिग्री दिलाने के लिए नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कराया था। दिन रात मेहनत कर उसके कॉलेज की फीस चुकाई। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 17 सितंबर को प्रिया कॉलेज की छुट्टी होने के बाद भागकर दिल्ली चली गई। वहां पर कोर्ट मैरिज करने के बाद शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस खबर से टिंकू के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और वह अंदर से टूट गया। टिंकू ने बताया कि इस बात की जानकारी उसे 24 सितंबर को हुई। इधर पत्नी की बेवफाई से आहत टिंकू ने नगर थाना पहुंचकर प्रिया कुमारी और उसके आशिक के खिलाफ शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। खबर सामने आते ही दोनों परिवारों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। नगर थाना प्रभारी उपेंद्र महतो ने कहा कि टिंकू यादव का आवेदन मिला है, आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।